हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट टॉक ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 10। आज मैंने ब्लॉग लेट शुरू कराया, 10:15 हैं और ये हमारे घर का माहौल है। देखो कैसे सो रही है। आगे मैंने वीडियो भी बहुत सारी चीज़ें लगाई हैं, कैसे ग्रुप में हमारे केस आते हैं, लोग डॉग्स को छोड़ के चले जाते हैं रोड पे। अभी अभी एक केस आया कड़काडुमा कोर्ट के बाहर, एक पप्पीज़ को बांध के कोई चला गया है। लोग पता नहीं कैसे छोड़ जाते हैं, भूखा प्यासा पप्पीस रोड पर खड़ा है, किसी को कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे ये सरवाइव करेगा। अभी हमारी छोटी वाली को भी देख रहा है कहाँ पर होगी। मयूर कहाँ है आप, कहाँ हो? अभी आवाज़ आ रही थी तुम्हारी, कहाँ है? पता नहीं, नीचे थी, कहाँ चली गई है। और ये देखिए कि गर्मी आ गई है ना, तो बस ये आप नीचे आने लग गए हैं। तो वो पप्पीज़ के लिए भी लोगों ने बोला है कि कोई अडॉप्ट कर लो। कोई बुली डॉग को, ये पिटबुल को छोड़ के चला गया है रोड पे बांध के, शेल्टर भेजा गया है डॉग्स को। एक्सीडेंट करके लोग भाग जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते कि उनकी रीढ़ की हड्डी बैक पूरी टूट जाती है, ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज हो जाता है डॉग, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपसे गलती से कभी एक्सीडेंट हो भी जाता है तो प्लीज़ उसको वेट को दिखाइए। गाड़ियाँ, गर्मी है तो गाड़ियाँ, प्लीज़ सारे डॉग गाड़ियों के नीचे घुसे होते हैं, तो गाड़ियों के नीचे प्लीज़ चलाने से पहले एक बार देख ले कोई डॉग बैठा तो नहीं है। और जगह जगह पानी भर के रखें, उनके लिए सूखा खाना रखें प्लीज़। गर्मी आ रही है तो गीला खाना ना रखें, गीला खाना ख़राब हो जाता है। और पानी प्लीज़ जगह जगह रखें, नालियों का पानी पीते हैं गर्मियों में तो बीमार हो जाते हैं। मैं कई बार देखती हूँ लोग हमारे बर्तन हम रखते हैं तो बर्तन ही उठा के ले जाते हैं, मिट्टी के बर्तन हमने रखे हैं ताकि पानी ठंडा रहे, हमारे बर्तन तोड़ दिए जाते हैं, डॉग्स के बर्तन चुरा के ले आते हैं, प्लास्टिक के कूड़ा बीनने वाले प्लास्टिक के बाउल्स उठा ले जाते हैं, मिट्टी के बर्तन जिनको पसंद नहीं है कि डॉग को खाना खिलाएं वो उनके बर्तन उठा ले आते हैं, मिट्टी के बर्तन फोड़ देते हैं। कौओं के लिए, चिड़ियों के लिए भी प्लीज़ अपने छतों में, बालकनी में पानी रखें। कोई भी चीज़ आपके लिए बालकनी में आना बुरा नहीं होता। कईयों को वहम होता है कबूतर आपके बालकनी में आएगा तो आपका बुरा होगा। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। आगे मेरी बहुत सारी क्लिप है जिसमें मैं टेक्स्ट में लिख दूंगी कौन सा केस किस तरीके का है। हर जगह से खाने दो। सोनी घूम रही है, देखिए सुबह सुबह सामने दूध रखा है सामने वाले घर में, सोनी घूम रही है। अपने घर में सब कुछ पड़ा होता है, इन्होंने नहीं खाना होता है। ये देखो ये एक जगह बैठती नहीं है चैन से, पता नहीं इसके पैर में चकरी है क्या है, भगवान जाने। ये चूस्टिक देने वाले भैया आए थे, इन्हीं का इंतजार करिए, डेली सारे डॉग्स को चूस्टिक देते हैं। ये दो लेके मानती है, एक भी नहीं लेके मानती, दो लेके बैठती है। और ये भैया ना डेली सारे डॉग्स को ना चूस्टिक बांटते हैं, जहाँ भी इन्हें डॉग मिलेंगे अच्छे अच्छे लगते हैं। उस गली में ना वो कोको और उसकी मम्मी रहती है, उनको भी देते हैं, खा ले। दोनों चूस्टिक देखा से नीचे रखी है अपनी, देख दोनों की चूस्टिक नीचे पड़ी है। केस आए हैं इस ग्रुप में, सारे केसेस को सॉल्व करा जा रहा है, सब कुछ है। और कभी कभी जैसे हम डॉग्स को इलाज कराने के लिए बुलाते हैं, इलाज कराते समय कई बार क्या होता है डॉग्स ना काट भी लेते हैं। अच्छा दूध डाल रहे हैं भैया, दूध डाल रहे हैं, मैंने पहले वाला दूध फेंक के ताज़ा दूध डाल रहे हैं। ये देखिए लोग ना ऐसे ही दूध फेंक देते हैं जबकि पीते भी नहीं हैं। चलो सोनी ताज़ा दूध पी रही है। इसको ना चैन ही नहीं है, कभी पिएगी कभी नहीं पिएगी, चूस्टिक ऐसे फेंक रहे, चूस्टिक खा रही है दूध नहीं पी रही है। जो इंजेक्शन लगा था उसको भी काट लेते हैं लोग, सस्ते ना हम जब डॉग के पास जाते करते हैं तो डर के मारे डॉग ना कई बार काट लेता है या वो मार नखून मार लेते हैं, तो होता है ऐसा। तो बहुत सारे खतरों से हमें गुजरना पड़ता है। देखो आप दूध पी रही है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं दूध पीऊँ चूस्टिक खाऊं, दूध पीऊँ चूस्टिक खाऊं। इसका ना स्टेबल नहीं रहती, कभी ये करना, छोटी है ना अभी, बहुत छोटी है इसकी, बच्ची है 1.5-2 साल की है। तो चलो दूध ही पी रही है। आपको शायद इन तारों के जाल के बीच में दिखाई नहीं दे रहा होगा,
आजकल ये दूध वगैरह ही पी रहे हैं, बाकी सब खाना खाना इन्होंने फिर बंद कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम लोगों का, इंसानों का ही खाना खाने का मन नहीं होता, इनका क्या करेगा, बस पनीर खाती है ये और कुछ नहीं, पनीर और अभी दूध पी रही है तो या पनीर खाएगी, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं खाएगी। देखा सर चाट लिया दूध, थैंक गॉड से सारा दूध पी लिया और अपनी एक चूस्टिक आएगी, जो उसकी दोनों चूस्टिक पड़ी हैं, अभी अपनी चूस्टिक खाएगी। एक खुशखबरी है, ये जो डॉग हमें मिला था ये अब सेफ है और अपनी लोकेशन में पहुंच चुका है। पहले ये हमें मिला था ग्रुप मेंबर को कि पता नहीं कौन से एरिया से आया, पर इसको ना इसके एरिया में पहुंचा दिया गया है। ये देखिए 1:30 बजने वाला मिश्का कैसे सो रही है। एक आदमी ने ना एक पप्पी को खरीद के छोटे से केज में, जिसमें कि 40 दिन का पप्पी रखते हैं, उसमें उसने 3-4 महीने का पप्पी को रखा हुआ था और उस केज को उसने ताला बंद करके बालकनी में चैन से बांधा हुआ था और उस केज को वो लात से मार रहा था। और किसी ने ये वीडियो बना के डाली और फिर ग्रुप में, तो वहाँ पर ग्रुप के मेंबर जाके पुलिस को लेकर गए और पहले तो बंदा बहुत लड़ाई झगड़ा करा, उसके बाद वहाँ से उस बच्चे को ना रेस्क्यू करा के ग्रुप मेंबर लेकर आए हैं और वो बच्चा इतना खुश हो रखा है बाहर आके। आप देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं और कैसे इन लोगों को बिल्कुल दया नहीं आती है एनिमल्स के संग ऐसे करते हुए। देखिए छोटी सी क्लिप। आप उसको लाते मार रहे हो मेरे। थैंक यू सो मच। मैं इसका बात रही है डॉक्टर। क्या कर रहे हो दोनों, क्या कर रहे हो बालकनी में, क्या कर रहे हो दोनों बालकनी में लाइन बना के बैठे हैं। देखो और ये उसके पीछे पड़ी हुई है, जहाँ वो जा रही है ना उसके पीछे पीछे जा रही है। एक डॉग को 3 महीने के बच्चे को किसी ने पाला और उसको बिल्कुल ताले से और चैन से बांध करके घर के बाहर, शॉप के बाहर रखा जाता है। रात को भी उसे शॉप पे बंद करके वो चली जाती हैं और उसके अभी आज पुलिस केस किया तो उसने 1 हफ्ते का टाइम मारा, वैक्सीनेशन करवाई, ताला खुलवाया उसका, आगे से वो बांध के रखेगी, 1 हफ्ते के बाद उसकी पुलिस कार्रवाई की जाएगी। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और दूसरे बच्चे का केस भी मैंने आपको बताया था, उसको कैसे चैन में टाइप किया। खाओ खाओ, छोटी खा रही है, दूध पी ले, पी लो पी लो, जल्दी पियो दूध पियो और खाना भी खा लेना, फिर जाऊंगी मैं तो कुंबोटो को देने के लिए। चल चल खा, चलो पी लो दूध, चलो पी लो ना बेटा, खा ले, खा लो। चलो मैं उधर खाना दे के आती हूँ कालू को। क्या रिनी ऐसे क्यों करती है बेटा तू, देख उसको नहीं बैठने दे रही है, देखिए देखिए क्या, खा ले बेटा, खा ले तू बैठ, खा ले तू। ये बैठे है देखो, खाना खा रही है वहाँ पर आराम से बैठ के, मैं इसको खाना खिला के ही जाऊंगी। देखो खाना खा रहे ना, कुची कुची, अरे कुची कुची मेरा बच्चा, मेरा कुची कुची बच्चा, कुची कुची बच्चा, वो खा रही है आराम से खाना खाते। चली जाएगी बैठ सोनी, नहीं नहीं, खा लो खा लो। आज मैं रैबीज की वैक्सीनेशन स्टार्ट करा रही हूँ अपने एरिया में, जितनों की वीडियो बना पाऊंगी उतनी की बनाऊंगी, जितने की नहीं बना पाऊंगी उतनी मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, हमसे बीच में बैठी हुई थी, तंग नहीं करती ना, बड़े आराम से बैठी हुई थी। हाँ रैबीज के इंजेक्शन के लिए, तुम कितने हो, 3 तुम हो ना, ये है, आओ तुम्हारे भी लगाओ। वैक्सीनेशन कराना ना बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं वो कहाँ भाग गई है, कहाँ भाग गई पता नहीं, बाहर रोड पे निकल के ना भाग ना जाए सोनी। छोटों को भी ना छुप छुप के खिलाना पड़ता है। आ जा, खा लो खा लो खा लो खा लो, मैं जा रही हूँ।
आर्ट डॉग्स की वैक्सीनेशन के लिए मैंने बुलाया था, पर उन लोगों से डॉग पकड़े ही नहीं गए, सोनी पकड़ी नहीं गई, ना तो कालू पकड़ा गया, और पकड़ने के चक्कर में उन्होंने ना सोनी के मुंह से खून भी निकाल दिया। पता नहीं कैसे पकड़ रहे थे। फेल हो गया मेरा वैक्सीनेशन ड्राइव आज का। मैंने सोचा था रेबीज और क्या कहते हैं वो रेबीज और 9-in-1 का इंजेक्शन लगवा दूँ ताकि ये सेफ रहेंगे पारवो डिस्टेम्पर रेबीज से, पर इन लोगों को लगाना ही नहीं आया। बच्चा भगा भगा के थका दिया सोनी को, बेचारी के इतने बुरे हाल हो गए, और इनसे पकड़ा भी नहीं गया। तो मेरा आज वैक्सीनेशन का बिल्कुल फेल हो गया। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे।